सो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप संपूर्ण रामायण कैसे देख सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन पे। जी हाँ, आप अपने यूट्यूब से ही संपूर्ण रामायण देख सकते हैं और उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। So, दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ सर्च बार में सर्च करना है। आपको यहाँ पे टाइप कर देना है तिलक, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है तिलक रामायण। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तिलक रामायण, आपको सामने एक चैनल ओपन होके आएगा, जो कि एकदम नया चैनल खुला है अभी 20-22 दिन पहले। आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। और इधर वीडियो वाले सेक्शन में आएंगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सारी रामायण यहाँ पे उपलब्ध है आपके पास। आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाना है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं सभी रामायण यहाँ पे हैं। उत्तरकांड है और श्री कृष्ण की लीला भी है, और यहाँ पे सभी रामायण है रामानंद सागर की, और यहाँ पे रामायण भजन भी। और नीचे आप देख सकते हैं सभी भाषाओं में उपलब्ध है, तमिल, तेलुगु और बंगाली और मराठी, सभी भाषाओं में यहाँ में आपको रामायण देखने मिल जाएगी। तो बता देता हूँ आगे चल के इस चैनल के बारे में, ये चैनल अभी 10 अक्टूबर 2020 को ज्वाइन हुआ है। देख सकते हैं 20-22 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ है, और इतनी सारी वीडियोस ने अपलोड कर दी है इस पर। सारी संपूर्ण रामायण है इस पर, आपको मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ से चला के भी दिखा देता हूँ एक दो रामायण। यहाँ पे जाएंगे हिंदी वाले में, यहाँ पे देखिए इसमें सारी रामायण हिंदी में आपको दी गई हैं। इस वाले प्लेलिस्ट में आपको चला के दिखा देता हूँ। चलिए मैं पहला भाग आपको चला के दिखा देता हूँ। इसमें सारे एपिसोड उपलब्ध हैं, आपको एपिसोड बाई एपिसोड आपको मिल जाएंगे यहाँ पे सभी रामायण। और पूरी रामायण, थोड़ी सी रामायण भी स्किप नहीं है यहाँ पे। तो आपको और चला के दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम सीरियल से आपको मिल जाएगी सारी रामायण। तो आप देख सकते हैं वो भी यूट्यूब से, और इसको आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। चलिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ लास्ट का भाग, जैसा कि आपको पता चल जाए कि हाँ संपूर्ण रामायण है इसमें। चलिए मैं इसमें 78 भाग में संपूर्ण रामायण इसमें दिखाई गई है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, लास्ट वाला भाग है जहाँ राम वनवास पूरा करके वापस आते हैं रावण को मार के। देखिए ये राम वनवास से वापस आ चुके हैं, जहाँ का दिखा रहा है ये लास्ट एपिसोड। और इसके आगे और फिर कांड है, तो दूसरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों का शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।